पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आज एक देश एक चुनाव समिति की पहली बैठक होगी। ये बैठक आज दोपहर 3 बजे होगी। सरकार ने लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर गौर करने और जल्द से जल्द सिफारिशों देने के लिए शनिवार को 8 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति की अधिसूचना जारी की थी। यह समिति इस मुद्दे पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद ही यह तय होगा कि आने वाले समय में क्या सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही सभी राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी कराएगी या नहीं। भारत में आजादी के कुछ समय बाद तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साथ कराए जाते थे। 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव ज्यादातर एक साथ हुए, लेकिन इस प्रथा को बाद में खत्म करके विधानसभा और लोकसभा चुनाव को अलग अलग से कराया जाने लगा। हालांकि इस लागू करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही सरकार गिर जाए तो ऐसे में क्या किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी उच्च स्तरीय समिति एक साथ चुनाव आयोजित कराने के बारे में संभावनाएं तलाशेगी और सिफारिशें करेगी। समिति संविधान, जनप्रतिनिधि अधिनियम और किसी भी अन्य कानून एवं नियमों की पड़ताल करेगी तथा विशिष्ट संशोधनों की सिफारिश करेगी, क्योंकि एक साथ चुनाव कराने के उद्देश्य से इनमें संशोधन की आवश्यकता होगी। समिति इस बात की भी पड़ताल और सिफारिश करेगी कि क्या संविधान में संशोधन के लिए राज्य के समर्थन की आवश्यकता होगी।